सो आज हम बात करने वाले हैं कि रियलमी का कौन सा फ़ोन परचेस करना चाहिए और कौन सा फ़ोन नहीं परचेस करना चाहिए। इस सीरीज को मैं कंटिन्यू किया हूं जो मैं दो वीडियोस दे चुका हूं ऑलरेडी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि रियलमी और नार्जो सीरीज जो आता है उनमें से कौन सा फ़ोन परचेस करना है। तो सबसे पहले अंडर 10,000 से स्टार्ट करें, जिसका नाम है रियलमी C63। ये जो स्मार्टफोन है वो अंडर 10,000 आराम से देखने को मिलेगा बिग बिलियन डेज और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में। इसके अंदर आपको 6.67 इंच का आपको HD+ डिस्प्ले देखने मिलता है, साथ ही साथ इसके अंदर प्रोसेसर जो है वो Dimensity 6300 प्रोसेसर देखने को मिलता है। 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगा, 10 वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो इसका जो नॉर्मल प्राइस है वो 11,999 के साथ मिलेगा, लेकिन अगर आप ऑफर में लेते हैं तो इसे 9,999 यानी अंडर 10,000 इसे परचेस कर सकते हैं। तो रियलमी की तरफ से ये एक 10,000 के अंदर एक अच्छा स्मार्टफोन बन जाता है। सो अगर हम नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करें जो कि इससे आगे हम है बढ़े, तो ये आपको रियलमी 12X स्मार्टफोन है जिसकी प्राइस जो है वो 13,499 होता है यानी 13,500। सो इसके अंदर 6.72 इंच का आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा और इसके अंदर प्रोसेसर Dimensity 6100 प्रोसेसर देखने को मिलता है और ये एक पिछले साल का स्मार्टफोन है। 50 MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा जो कि ऑफर के साथ ये आपको 11,500 देखने को मिलेगा। तो 11,500 के अंदर इस स्मार्टफोन को आप परचेस कर सकते हैं। तो एक फोन लॉन्च हुआ है जो कि न्यू सीरीज है पी सीरीज, तो रियलमी P1 जो है उसे आपको परचेस नहीं करना है क्योंकि ये पिछले साल का है और साथ में इसका अल्टरनेटिव आ चुका है तो आप उसके तरफ जाना चाहिए। तो रियलमी P1 ना खरीदे। N सीरीज का भी है नार्जो N, तो वो भी आप 15,000 के अंदर उस स्मार्टफोन को छोड़ दें, यानी 15,000 के और भी अंदर जो स्मार्टफोन आते हैं उसे इग्नोर करना है। अभी एक स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है रियलमी नार्जो 70 टर्बो। ये जो स्मार्टफोन है वो इस प्राइस रेंज में ये अच्छा प्राइस को जस्टिफाई करता है, जो कि ये फोन लॉन्च हुआ है 16,999 यानी 17,000 का फोन लॉन्च हुआ है। सो इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो मीडियाटेक का Dimensity 7300 प्रोसेसर देखने को मिलता है और ये एक यूनिक डिजाइन लेकर आया है, तो ओवरऑल आपको एक अलग लुक भी देगा, अलग एक डिजाइन है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर वेपर कूलिंग चेंबर भी दिया गया है, तो आप ऐसे अगर गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा जिसकी वजह से आपको यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देगा। साथ में 5000 mAh की बैटरी और 45 वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये जो फोन है आपको 14,999 यानी अंदर 15,000 को आप खरीद सकते हैं, तो इस प्राइस रेंज में ये एक अच्छा स्मार्टफोन बन जाता है। सो P1 का बड़ा भाई P1 Pro आता है जो कि इसे भी आपको इग्नोर करना है। 17,000-18,000 को ये फोन देखने को मिलेगा, तो इस फोन को आपको बिल्कुल परचेस नहीं करना है क्योंकि इससे अपग्रेड वर्जन एक और स्मार्टफोन है जो कि पिछले साल का ही है रियलमी नार्जो 70 प्रो। ये जो स्मार्टफोन है वो सारी चीज यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर एक अच्छा खासा स्मार्टफोन बन जाता है, क्योंकि इसका नॉर्मल प्राइस है वो 20,000 को लॉन्च हुआ था और अभी आपको यहाँ पर 17,000-17,500 देखने को मिलेगा जो कि इसका बेस वेरिएंट है और 256 GB के साथ जाते हैं 18,500 देखने को मिलता है। तो इसके अंदर आपको 6.67 इंच का 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आएगा, फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसके अंदर प्रोसेसर Dimensity 7050 प्रोसेसर मिलेगा। सो इसके अंदर कैमरा सेंसर भी बहुत ही अच्छा है, 50 MP का सोनी सेंसर है जो कि IMX 890 है, तो ये सेंसर एक अच्छा सेंसर है और इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी और 67 वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और ये जो स्मार्टफोन है वो 15,999 को देखने को मिलेगा, तो इस प्राइस में ये अच्छा स्मार्टफोन बन जाता है। और अगर आप 1000 और इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको 256 GB इंटरनल स्टोरेज वाला मिल जाएगा, तो ओवरऑल ये एक इस प्राइस पर रियलमी का अच्छा फोन निकल के जाता है। और एक स्मार्टफोन है रियलमी 13 प्लस, जिस प्राइस रेंज पर ये आ रहा है ये पूरे तरीके से अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता है क्योंकि ये 20,000 से 22,000 का देखने को मिलेगा। इसी का इससे पिछले इयर्स का जो फोन है वो आपको बेटर देखने को मिलेगा क्योंकि उसके अंदर टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिलता है। सो इससे अच्छा रियलमी 12 प्रो देखने को मिलेगा क्योंकि इसके अंदर 6 Gen 1 देखने को मिलता है प्रोसेसर। हालांकि इस प्राइस रेंज में ये भी कोई खास अच्छा प्रोसेसर नहीं है, लेकिन जिस प्राइस रेंज पर आ रहा है ओवरऑल एक अच्छा परफॉर्मेंस निकल के दे जाएगा। और साथ में इसके अंदर टेलीफोटो लेंस है जो कि 2x आप ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं, तो ओवरऑल आप इस प्राइस रेंज पर ये सेंसर प्राइस को जस्टिफाई करता है। और साथ में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 67 वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिलता है और इसकी जो नॉर्मल प्राइस है वो 23,000 रहती है, लेकिन अभी जो ऑफर में आप लेंगे बिग बिलियन डेज में तो ये आपको 19,999 के साथ मिलेगा यानी 20,000 के अंदर। तो 20,000 के अंदर रियलमी 13 प्लस से आपको ये स्मार्टफोन अच्छा देखने को मिलेगा। सो अभी एक और रियलमी का फोन लॉन्च हुआ है जो कि 13 प्रो और 13 प्रो प्लस यहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये जो स्मार्टफोन है मुझे ये प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता है, बहुत ही ओवर प्राइस है। कुछ तो आपको 28-29,000 के देखने को मिलेगा सिर्फ
रियलमी 13 प्रो और प्रो प्लस जो है वो आपको 34-35 हज़ार देखने को मिलेगा। तो पूरे तरीके से प्राइस जस्टिफाई नहीं करता है। जैसा कि आपको सैमसंग का S23 FE जो फाइन एडिशन है वो आपको 28 हज़ार के अंदर आराम से देखने को मिलेगा, तो वो उस प्राइस रेंज पे पूरे जस्टिफाई करता है, क्योंकि उसके अंदर पूरे AI फीचर भी देखने को मिलेगा, फ्लेक्सिबल लेवल का कैमरा मिलेगा, फ्लेक्सिबल लेवल का सैमसंग का एक्सपीरियंस मिलेगा, तो वो एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बन जाता है। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा कि रियलमी 13 प्रो और 13 प्रो प्लस को आप इग्नोर मारे, इस स्मार्टफोन का आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि रियलमी का कौन सा फोन आप परचेस करने वाले हैं। वीडियो पसंद आएगी तो जरूर से कर दीजिएगा लाइक, एंड चैनल पर नए होंगे तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए।